मॉर्निंग डे स्टूडेंट बेटा, आज हम बात करें क्लास ट्वेल्थ RBS CBSE इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके चैप्टर नंबर 13 के लास्ट तो टॉपिक बचे हुए हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में। कौन कौन सा है आप लोगों का? कॉमनलिज्म और है म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना। कॉमनलिज्म और म्यूचुअलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि दिस इंट्रैक्शन इन विच, ये ऐसे इंट्रैक्शन है जिसमें एक स्पीशीज़ को तो लाभ होता है, बेनिफिट होता है, एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड और हार्म, यानी कि दूसरे को ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। एंड ऑर्किड ग्रोइंग ऑन एपीफाइट। अब देखो, एक ऑर्किड जो कि एपीफाइट, एज एन एपीफाइट, एपीफाइट मतलब परजीवी जो है मैंगो ट्री के ऊपर, मैंगो ब्रांच के ऊपर हो रहा है। ब्रैंकियल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल। अच्छा, ब्रैंकियल्स जो है वो क्या है, वेल मछली की पीठ के ऊपर ग्रो करते हैं। बेनिफिट, वाइल नाइदर द मैंगो, ना तो मैंगो और ना ही वेल, दोनों को कोई बेनिफिट होता है, ठीक है ना। द कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, ठीक है ना। कैटल एग्रेट मतलब पता है क्या होता है, बर, यानी कि पशुओं के पास में क्या है, बर जो है वो क्या हो रहा है, इन दोनों का क्लोज एसोसिएशन है। एज यू सी ए साइट यू आर मोस्ट लाइकली टू कैच इफ यू लिव इन अ फार्म रूरल एरिया। देखो, पशु चल रहे हैं, पशुओं के पास आप लोग देखोगे व्हाइट कलर के इगर एगर, यानी कि बगुले जैसे पक्षी आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फार्म रूरल एरिया में, आप लोगों को गाँव में देखा होगा। क्यों देखा है? क्योंकि वो पता है क्या करते हैं, वो पशु चरते रहते हैं और पशुओं के जो टिक्स वगैरह उनको रिमूव करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो, इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कॉमनिज्म, वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, बहुत पुराना है। द अर्गेस्ट ऑलवेज फॉरेज क्लोज वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग, बिकॉज ऑफ द कैटल दे आर दे मूव स्टिरअप एंड फ्रेश आउट द इंसेक्ट फ्रॉम द वेजिटेशन। अब ये पता है क्या है कि भाई पशु जो है ना, अब अर्किड क्या है, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। अब कीड़े मकोड़े क्या है, पेड़ों में छुपे हुए रहते हैं। अब जैसे घास वगैरह में बेटा पशु जाते हैं तो पशु का शरीर वगैरह से वो घास हिलती है तो कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं। अब जैसे कीड़े मकोड़े बाहर निकले तो अर्गेट क्या करेगा, उसको खा लेगा। यानी पशुओं को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन अर्गेट को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉमनिज्म इज द इंट्रैक्शन बिटवीन द सी एनीमोन एंड हैज स्टिंगिंग टैंगटेल्स ऑन द क्लाउन फिश, ठीक है ना। अब सी एनिमोन और स्टिंगिंग टैंगटेल्स जो है क्लाउन फिश के ऊपर लिव अमॉन्ग देम, ठीक है, जो उसके ऊपर रहता है। फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर्स। अब जो मछली है वो उनको प्रोटेक्ट करती है प्रेडेटर्स से, एंड स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टैंगटेल्स, ठीक है ना। द एनिमोन डज नॉट अपेयर टू ड्राइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लाउन फिश, ठीक है ना। अब एनिमोन जो है उसको कोई भी फायदा नहीं होता है, ठीक है। अगला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है, देखो, द इंट्रैक्शन दैट कन्फर द बेनिफिट ऑफ बोथ इंट्रैक्टिंग स्पीशीज। अब वो जिसमें दोनों स्पीशीज को, यानी कि दोनों प्रजातियों को क्या है, वो इंट्रैक्शन जिसमें दोनों प्रजातियों को क्या है बेटा, फायदा हो रहा हो, ठीक है ना। लाइकेन, आप लोग पढ़ चुके 11th में, लाइकेन जो है इंटीमेट म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फंजस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी। अब देखो, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया और फंगस के बीच में क्या है, एल्गी ये साइनोबैक्टीरिया या फिर फंगस के बीच में क्या है, एक लाइकेन जो है क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही द माइकोराइजा आर द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट्स, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है, माइकोराइजा है वो भी एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है ना। द फंजाई हेल्प द प्लांट, फंजाई क्या करता है बेटा, प्लांट की हेल्प करता है, ठीक है ना। हेल्प द प्लांट, अब वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है ना, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स के, लेकिन फ्रॉम द सॉइल, वाइल द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड द फंजाई विद एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्लांट क्या है, उसको कार्बोहाइड्रेट वगैरह देता है, यानी कि एनर्जी के लिए खाना देता है, ठीक है। मोस्ट स्पेक्युलर इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। प्लांट एनिमल के अंदर, प्लांट नीड टू हेल्प द एनिमल्स। अब देखो, प्लांट क्या करते हैं, एनिमल, उनको एनिमल की जरूरत होती है पोलिनेशन के लिए, फ्लावर को और उनके सीड को बिखेरने के लिए, ठीक है ना। और एनिमल जो है वो अपने फीस लेते हैं इन सर्विस ऑफ प्लांट, एक्सपेक्ट देम। अब देखो, अब प्लांट अगर उनसे पॉलिनेशन करवा रहे हैं, सीड डिस्पोजल करा रहे हैं, तो बदले में एनिमल क्या लेगा, अपने फीस लेगा, यानी कि उनको चरेगा, उनका खाना खाएगा, ठीक है। द प्लांट ऑफर रिवार्ड टू और फीस इन फॉर्म ऑफ पॉलन और नेक्टर। अब देखो, अगर हम लोग मधुमक्खियों की बात करें तो मधुमक्खियाँ क्या, पॉलिनेशन करती है और बदले में पौधा उनको क्या देता है, पॉलन और नेक्टर वगैरह देता है, ठीक है ना। एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर द सीड डिस्पर्सर्स, ठीक है ना। बट द म्यूचुअली बेनिफिट सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफगार्ड अगेंस्ट द चीटर्स, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है कि इसमें हम लोगों को बचना चाहिए चीटर्स। चीटर्स पता क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एनिमल दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन, ठीक है ना। अब ये क्या करें कि वो एनिमल्स जो या जिनमें नॉर्मली क्या कर रहे हैं कि वो पॉलिनेशन तो नहीं कर रहे, लेकिन नेक्टर को चुरा के लेके आ रहे हैं, ठीक है ना।
तो ये क्या है, चीटर्स होते हैं, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी वाई द प्लांट एनिमल इंटरेक्शंस आर मोर ऑफन इन्वॉल्व द को इवोल्यूशन म्यूटलिस्ट, ठीक है ना। दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर इज ए एंड इट्स पॉलिनेटर स्पीशीज आर टाइटली लिंक्ड विद वन अनदर इन मैनी स्पीशीज द फिग ट्री। अब देखो फिग ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ टाइट वन और टू रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ वेस्प, यानी फिग ट्री क्या करता है, उसका रिलेशनशिप है किसके साथ, वेस्प यानी कि ततैई के साथ में, ठीक है, ठीक है। दे आर ओके, इट मीन्स दैट गिवन द फिग स्पीशीज पॉलिनेटेड बाय द बाय इट्स पार्टनर वेस्प स्पीशीज एंड नो अदर स्पीशीज ऑफ फीमेल वेस्प यूज्ड द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओवी पोजिशन, ठीक है ना, एग लेइंग। अब पता है क्या कराएगा वेस्प को, क्या कर देता है ये, वेस्प इसको पॉलिनेशन देता है, ततैई इसको पॉलिनेशन कराता है, लेकिन ये बदले में वेस्प को क्या दे रहा है, ये बदले में बेटा वेस्प को देता है क्या, अंडे, उसको अंडे देने के लिए जगह देता है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल क्या करें, इट्स लार्वा द वेस्प पॉलिनेशन इन फिग इन्फ्लोरोसेंस। अब देखो वेस्प क्या करेगा, देखो ततैये है ना, ये ततैये क्या है, इसके इन्फ्लोरोसेंस के अंदर जाकर अंडे देता है, ठीक है। एगलिंग सेट्स होती है, इन रिटर्न टू फेवर ऑफ पॉलिनेशन द फिग ऑफर द वेस्प समटाइम डेवलपिंग सीड, ठीक है ना, फूड और डेवलपिंग वेस्प लार्वा। ओके अगला है ऑर्किड, ऑर्किड जो और बिलबर्ड है डाइवर्सिटी पैटर्न शो करते हैं, ये भी क्या होते हैं बेटा, बीज और बम्बल बीज वगैरह के अंदर होते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। अब मैंडेटेरियन ऑर्गन जो है और प्लेस सेक्सुअल डिसेक्ट द पॉलिनेशन इन द बी, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आप लोगों का क्या, म्यूचुअलिज्म, और इट इज कंप्लीटेड विद द चैप्टर, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। ओके okay.